यही क्वेश्चन करने अभी, ताकि ये थोड़ा सा और क्लियर हो और तुम्हें यहाँ समझ आएगा कि मैंने जो मैकेनिक्स कराया, वो ऑप्टिकल एस्टिमेशन कराया था, मैंने तुम्हें बोला था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बहुत ढंग से करना। चलो साइक्लोहेक्सीन है, इसमें H2Na डाला है। अगर वो मैंने तुम्हें वो बता दिया था, वो टॉयज से रिलेटेड ऑप्टिकल आइसमर्स, जैसे एक नेल है उसका हेड जो है बोलिए। सर्कुलर है, एक नेल है, नेल कील जो होती है उसका हेड सर्कुलर है, तो ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है? सर इनएक्टिव इनएक्टिव। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके अंदर? सर एक सर इनफाइनाइट इनफाइन सर्कुलर हेड है। हाँ और अगर एलिप्टिकल होगा तो? सर एलिप्टिकल होगा तो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएंगे हाँ, एक मेजर एक्सिस के लॉन्ग और एक माइनर माइनर एक्सिस के लॉन्ग। और अगर स्क्रू है तो वो एक्टिव इनएक्टिव? स्क्रू समझ गया ना, हाँ एक्टिव इनएक्टिव? सर इनएक्टिव एक्टिव एक्टिव वो स्क्रू में तो चूड़ियां तो जो होती हैं उसके अंदर, उसकी वजह से क्या सेम होंगी वो हर जगह कट करने के अच्छा बाद, ठीक है हाँ सर समझ ऊपर गया नीचे होती है ना कुछ? तो ये क्वेश्चन भी छोटे छोटे पूछे हुए हैं। एक ये हो गया, एक जो फैन लेते हैं, फैन एक्टिव इनएक्टिव? सर इनएक्टिव इनएक्टिव क्यों? सर तीन विंग्स मतलब माननी है, तीन ही। तीन हाँ हाँ, कट करके कह रहे ना? यस सर नहीं, ये एक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है। बता सकता कोई है क्यों होगा एक्टिव ये? तो जो ब्लेड्स होते हैं वो एंगल पे होते हैं हाँ बहुत अच्छे। जो उसका सर जो उसके मतलब विंग्स होते हैं ना, जो फिन्स होते हैं, जो फिन्स होते हैं उसके, वो थोड़े से टिल्टेड नहीं होते हैं? सर कभी ऐसे ध्यान से देखा नहीं नहीं, ध्यान से देखिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फ्लैट कर देना बिल्कुल एकदम, तो हवा ही नहीं आएगी नीचे। सही है गर्व। यस सर अच्छा, इसके अलावा बच्चों की जो ट्राईसाइकिल होती है, एक्टिव इनएक्टिव? एक्टिव बच्चों की ट्राईसाइकिल ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि उसको कट करेंगे अगर ट्राईसाइकिल को, तो जो पैडल होते हैं वो ऊपर नीचे रहेंगे ना, एक ऊपर एक नीचे। नहीं समझ आ रहा है? यस सर आ गया और एक क्वेश्चन और था ना इसका, एक हॉकी स्टिक एक्टिव इनएक्टिव? एक्टिव हेलो बोलो। सर इनएक्टिव सर इनएक्टिव। और कोई? एक्टिव एक्टिव सर एक्टिव है वो हॉकी स्टिक के, जो जो हॉकी स्टिक होती है ना घर, उसकी वो जैसे ये है, ऐसे होती है ना, तो उसकी एक साइड जो जिससे मारते हैं ना बॉल को, वो साइड फ्लैट होगी, और जो पीछे वाली साइड होती है वो ग्राउंड होती है। समझा कि नहीं? अच्छा हाँ ठीक है सर तो इसलिए हॉकी स्टिक भी क्या हो जाएगी? एक्टिव। ये क्वेश्चन पहले कराया नहीं मैंने क्या? सर नहीं चलो ये कर लेना जरूर, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए पेपर के अंदर, है ना? नेल का, स्क्रू का, फैन का, हॉकी स्टिक का, बच्चों की ट्राईसाइकिल। अच्छा, इसके अलावा ये समझ जाओगे इसका मतलब, एल डॉट आर लिख रहा हूँ, एल डॉट सी, लिंडार्स का एटलस, समझ जाओगे ना इसका मतलब? यस सर सरफेस फेनोमेना है, ध्यान रखना, लीनियर अटैक होता है। चलो इसमें कर लो।
कर लिए सारे क्वेश्चंस? यस सर। और किसी ने किया है? अच्छा हिमांग, तू देर से क्वेश्चन नहीं हो रहा क्या? हिमांग से कर रहा हूँ, सही निकल रहे सारे कि नहीं? सिर्फ थोड़े बहुत गलत रहते हैं, मतलब एक दो तीन गलत रहते हैं, वरना अच्छा, निकालता और ये 11th वाले बच्चों में से मुदित है क्लास में क्या? मुदित, चित्राक्ष, यस सर। मुझे तो आंसर नहीं निकल रहे एक भी। सर हो रहे हैं, मतलब जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो नहीं हो रहे, बस ऐसे बाकी निकल रहे समझ हैं। आ रहे हैं सारे कि नहीं? समझ आ रहे हैं सही यस कि सर। नहीं? हाँ सही सर। क्या? क्लास में रहने से ही, हाँ क्लास में रहने से दिमाग बनेगा पूरा। जैसे अभी इस साल भी घर सिंगल घर मंगला ये सब आंसर कर रहे हैं ना, ऐसे आंसर निकलेंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन फिर भी एक बार दिमाग बन जाएगा ढंग से, सही ना? विधि कनी कनी के क्लास में यस सर, सर विधि निकल रही है आंसर। निकल रहे हैं। कल मैसेज नहीं किया था? सर्कल थोड़ा सा पड़ा था। चलो मैसेज करना मत छोड़ो विधि, अब सुनाना नहीं छोड़ना, जैसे क्लास में जब भी होगा सुनाना नहीं छोड़ना, और मैसेज किया करो जरूर। यस सर, अच्छा गर्व सिंगल ने कर लिया क्वेश्चन, और किसने किया है? गर्व सिंगल, गर्व मंगला, दोनों बच्चों ने किया अभी तक नहीं किया। मैं अभी फिर 1 मिनट गर्व, 1 मिनट रुक, फिर एक बार ट्राई करने फिर बताता हूँ अभी। हाँ बाकी किसी ने ट्राई किया अब? चलो देखो, गर्व बोला आंसर, तू गर्व मंगला बोलेगा आंसर अभी। फिर साइक्लोजी आ जाएगा। साइक्लो, हाँ दूसरे में, फिर उसमें डी और डी लगेंगे इधर। दूसरे में डी और डी लग जाएंगे। डी एक्टिव, इनएक्टिव? सर एक्टिव नहीं, इनएक्टिव। गर्व क्या कर रहा है? यस सर या तो इनएक्टिव। दोनों इनएक्टिव होगा ना, डी या तो फ्रंट से यस सर। लगेंगे या बैक से, है तो मीजो ही ना। यस सर। गर्व बता, ये गलती नहीं होनी चाहिए इस समय, इसमें मीजो वो आ रही ना, मेनोसिमेट्री। यस सर। हाँ तो इसमें कार्य सेंटर है कि नहीं? सर है। हाँ कार्य सेंटर है, बट देन ऑल्सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड इट इज मीजो। नेक्स्ट में मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, नेक्स्ट में, हाँ सर डी और डी लग जाएगा और एक्टिव। इसमें एक्टिव, इसमें दोनों डी अगर सामने से लगेंगे तो इस मिथाइल को पीछे होना पड़ेगा, और दोनों डी अगर बैक साइड से लगेंगे तो मिथाइल को सामने होना पड़ेगा। यही किया ना गर्व? यस सर। दोनों मिरर इमेजेस हैं,
दोनों मिरर इमेज यस हैं सर, ये। हाँ प्लस माइनस मिलेगा। नेक्स्ट में सर वही मिथाइल साइक्लोक्सेन अगले में सर, वो डी और डी लग जाएगा एक्टिव इनएक्टिव एक्टिव एक्टिव सर, इनएक्टिव आएगा इनएक्टिव है घर। कैसे पैरेलल एक्टिव बोल रहा था सेंटर इसको? सर, उसमें कल सेंटर कहाँ है? सर उसमें कल दो सेंटर है इसमें। बोल बोल। सर, उसमें दोनों तरफ से सेम नहीं आ रहा। थर्ड में जो डी टू एन डाला है एक्टिव है कि इनएक्टिव है? सर मेरे हिसाब से तो इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव आएगा ना सर? इनएक्टिव हाँ सर इनएक्टिव तो बोला था। नहीं, तूने पहले एक्टिव बोला है। अच्छा सॉरी सर। हाँ इनएक्टिव आएगा ना, इसमें कोई कार्य सेंटर ही नहीं है। इधर जा तू या इधर जा, सेम यस तो आ रहा सर, है। हाँ यस नेक्स्ट सर वाले बिल्कुल में। बोल हाँ दिया सर। नेक्स्ट अगले वाले वाले में में सर आर सी एच आर टू सी एच ओ एच टू ओ का एच। है, हाँ सही है। और आर सी एच डी ओ एच ओ डी, यही है ना? ओ डी। यस सर, हाँ तो ये, हाँ ये इसमें कार्य सेंटर आ गया कि नहीं? यस सर। चलो अब पता, अब ये समझ आ गया ना तुम्हें? ये प्लस माइनस होगा, दो होंगे उससे। नेक्स्ट में सर आर सी एच एन एच, आर सी एच टू एन, नहीं, आर सी एच टू एन एच टू ना, क्यों रोक क्यों रहा है इसको तू? रोक क्यों रहा है ऐसे? अगर इथाइन होता तो तू इथीन बनाता है कि नहीं? ओ इथेन बनाता है कि नहीं? इथाइन में ठीक है सर। लीनियर अटैक होगा, आराम से हो जाएगी रिएक्शन। नेक्स्ट में सर आर सी एच टू एन एच टू आर सी एच टू एन एच टू, लिनर्ड कैटलिस्ट डालेंगे तो वही बनेगा आर सी एच टू एन एच टू। नो रिएक्शन। इसमें तू लिनर्ड कैटलिस्ट डाल तो क्या आएगा? कितने प्रोडक्ट बता? लिनर्ड कैटलिस्ट कितने प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक बार ऐड होगा ना एच एच गर्व, यस सर, कितने प्रोडक्ट? सर दो सर, क्यों? सी वाले पे। अच्छा हाँ यस सर, एक ही मिलेगा गर्व सिंगल तू बोल। सर, एक ही मिलेगा वो, उसमें शेष वाला वो। हाँ शेष वाला आंसर एक ही आएगा, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट सिस वाला। अदरवाइज मेटेरियल होती इसके अराउंड तो क्या मिल जाता? ट्रांस भी मिलता। क्लियर है कि नहीं? ये यस सर। सर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मिलेगा एक ही, सही है। उससे नेक्स्ट में देखना भी, ये सभी इजी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कोई टफ नहीं है इसमें भी। आगे एक नया कंसेप्ट भी चलेगा इसी के अंदर। अब इसमें एल्काइन में अगर इसमें आर सी एच बॉन्ड एन एच ही मिलता प्रोडक्ट, तो मैं इसको दो भी बोल सकता था। जियोमेट्रिकल इसमें होती इसके अंदर सिस ट्रांस में, सी के साथ इस सी के साथ एच और आर है, इस एन के साथ लोन पेयर और एच है। नेक्स्ट में बोलेंगे आंसर, ट्रिपल बॉन्ड में एच टू पी डी डाला तो क्या आएगा आंसर? सर, एल्केन बन जाएगा बिल्कुल आर सही सी है, एच टू सी एच आर टू सी आर एच टू आर। नेक्स्ट वाले में सर, सिस वाला एल्कीन। एक्सक्लूसिवली दिस आंसर, ओनली सिस 100%, यही ना गर्व? यस सर, हाँ अब आर सी ओ सी एल में, ये तो तुमने पढ़ रखा ना, पढ़ा रखा है कन्वर्जेंस में कि नहीं? हाँ सर ये करा हुआ है, नेम रिएक्शन में बताया नेमेशन बताया। आर सी ओ सी एल में एच टू पी डी, आर सी एच टू ओ एच, बिल्कुल सही है। और लिनर्ड कैटलिस्ट तो कौन आर सी एच ओ सी नेम रिएक्शन? सर, वो है ना क्रूसिबल ये फॉर रुक। रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। सर उसमें नो रिएक्शन क्यों है? क्रूसिबल किस वाले में? फिफ्थ में? फिफ्थ वाले में इशिता यस सर। लिंडर्स कैटल, ये एक ही एच टू प्रोवाइड करता है ना, और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड पे, जो ज्यादा एक्टिव ग्रुप है उन्हीं पे अटैक करता है। मतलब लिनार्स कैटलिस्ट सिर्फ अल्काइन पर अटैक करेगा? हाँ एल्काइन पे या फिर लीनियर अटैक होता है ज्यादा एक्टिव ग्रुप पे। मान लो मैं तुम्हें ये दे दूं, अगर देखो इधर सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, और मैंने बोला इसमें एच टू पी डी बी एस ओ फोर सल्फर,
ये डाल दिया, क्या बोलोगे आंसर? ब्यूटेन ब्यूटेन नो रिएक्शन, सही है। हाँ ओके सर। ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा, यानी जो ज्यादा एक्टिव ग्रुप है ना उस पे ही अटैक करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो पैलेडियम कैटलिस्ट है वो पॉइजन्ड है ना। ओके सर। ध्यान रखता है इसका, सही ना। अब जैसे मैंने ये चलो RCHO में डाल दिया, RCHO में डाल दिया H2PDBSO4 सल्फर, क्या बोलोगे आंसर? RCH2H। नो रिएक्शन। अभी बताया ना RCOCl पे अटैक हो गया है, RCOCl पे अटैक हो गया कि नहीं? RCHO बन गया, नहीं तो RCHO यहाँ बन नहीं जाता अगर मैं पॉइजन नहीं करूँ तो। अच्छा ओके सर। ये ध्यान रखना इस चीज का, भूलना नहीं बिल्कुल भी। डबल बॉन्ड CHO और, हाँ डबल बॉन्ड और CHO, इस पर अटैक नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले केस जो होंगे उन पे ही अटैक होता है, या फिर RCOCl जो कि बहुत रिएक्टिव होता है। रिफाइनर ने स्टार्टिंग में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखवाया है, RCOCl फिर ट्रिपल बॉन्ड फिर CHO फिर डबल बॉन्ड फिर कीटोन, याद आया ना पीछे रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखवाया है 10 से 30 में, 30 से 50 में। और बेंजीन वगैरह तो रिएक्ट नहीं करते, टेम्परेचर बहुत ज्यादा सही होता है, अगर रिएक्शन करोगे तो बेंजीन रिड्यूस हो सकता है, लेकिन टफ है केसी। बेंजीन को रिड्यूस करने के लिए ना आगे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे बेंजीन भी रिड्यूस हो जाएगा, और वो रिएक्शन जो है सबको पता है, अभी याद नहीं होगी किसी को भी, याद है किसी को? बेंजीन जब रिड्यूस होता है, लेकिन बेंजीन रिड्यूस पूरे तरीके से नहीं होगा, उसमें भी बर्थ रिडक्शन, मतलब यस सर। बर्थ रिडक्शन में हमने सोडियम यूज किया। सोडियम देखो, बेंजीन हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है ना, मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, जो आगे पढ़ेंगे भी। बेंजीन हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है कि नहीं? यस सर। तो क्या कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे करके दे सकता है? इसको इलेक्ट्रॉन टफ है ना, इसको देना इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। फिर भी सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और बेंजीन उस केस में काम करेगा किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। नहीं समझ आया? सही बात, फिर से बोलना। बेंजीन तो वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल होता है ना, उसको हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तीन तीन पाई बॉन्ड्स है उसके पास। फिर भी क्या होगा? सोडियम जो आता है, सोडियम लिक्विड अमोनियम है, याद आया कि नहीं? टेम्परेचर कम रखते हैं, -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो सोडियम जो है, पता है तुम्हें, रिएक्टिविटी सीरीज में इलेक्ट्रो पोटेंशियल वगैरह सब चेक किया हो तुमने, हाईली रिएक्टिव है अल्कली मेटल्स है ना, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो बेंजीन उस रिएक्शन में किसकी तरह बिहेव करता है? बर्थ रिएक्शन। चलो इसमें कर ही लो, यहाँ पे एन लिक्विड बनी। ये एडवांस में काफी बार क्वेश्चन आया, वही वाला। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। H2PDBSO4 सल्फर और Na लिक्विड अमोनिया। तीसरा ले लेते हैं ये। तुम्हें आइसोमर्स अगर हैं तो बताना है, एक्टिव इनएक्टिव सब बताना है इसके अंदर। H2PDBSO4 सल्फर Na लिक्विड अमोनिया। Na लिक्विड अमोनिया रिएक्शन तो पता है ना सबको, मैकेनिज्म तो कराऊंगा आगे जाकर मैं भी। एन लिक्विड उन्हें पता है ना? यस सर। इसमें अब इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं, H2PD1 इक्विवेलेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। H2PD1 इक्विवेलेंट, क्या क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सारे जो लिखे हैं? यस सर। चलो अब इसको निकालेंगे। पांच क्वेश्चन दिया, पांचों ट्राई करेंगे। पहले पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसमें से IIT में आया हुआ, उसी को मैंने चार क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
हाँ गर्व कर लिए। यस सर। और किसी ने किया है क्या? और किसी ने किया क्वेश्चंस? क्रेश, हिमांग, सर एक बार विधि, एनएल इक्विडेमुनिया वाला बता दो। एनएल क्लोरीन ट्रांस बनाता ना, जैसे ब्यूट टू आइन है, एनएल क्लोरीन में डालते ट्रांस बनता है कि नहीं इसमें? ये यस तो कन्वर्जेंस में भी किया है गर्व। यस सर। अभी मेरे को मैकेनिक्स कराना है इसका, लेकिन ये कर रखा है तुम लोगों ने। सर वो अल्कीन को रिड्यूस करेगा? नहीं करेगा ना। ना ना, ना। बता दूं आंसर? यस सर। सर बस एक मिनट। देखो गर्व बोल पहले का, गर्व मंगला तेरे को बोलना है गर्व। सो बोलूं मैं? एक बार गर्व मंगला को ट्राई करना तो कर सकता है, या इनके इन दोनों के अलावा किसी को ट्राई करना तो कर सकते हो। गर्व तू बोल, सिंगल। यस सर। सर इस वाले में चार प्रोडक्ट बनेंगे। किसे? H2PDBSO4 सल्फर में? हाँ कैसे? सर, मतलब सिस वाला बनेगा। अगर हम इसको ऊपर की साइड करके सिस बनाएं तब भी उसकी मिरर हाँ इमेज बनेगी। नहीं, गर्व सुन सुन सुन, इसमें सिर्फ ये सिस फॉर्म बनेगी कि नहीं ये वाली? ये तो फिक्स है ना, कर सेंटर ये फिक्स है कि नहीं? हाँ तो बस एक ही प्रोड बनेगा, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, वो यहाँ से बन जाएगा बस। अच्छा, यही तो मतलब है गर्व मिलेगा लेके, एमपी तो वही एस, करेगी। यहाँ सिस, ये ट्रांस, बस खत्म। ये सिस है और ये ट्रांस, अगला ये एक्टिव है बस। ये बना दे ऐसे बस, एमई एच, ये ट्रांस और ये सिस, समझा कि नहीं? यस सर। तो एक ही प्रोटीन मिलेगा एंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट में बता। सर नेक्स्ट वाले में सर इसमें मतलब एक चीज पूछनी थी। हाँ अगर हम मतलब इसको नीचे की साइड करके बनाए, मतलब वो भी तो एक और बनेगा, होगा तो सीसी ना, मतलब सीसी होगा लेकिन इसको इससे बिना तो अलग होगा। क्यों अलग होगा? उसको घुमाने से, रोटेट करने से सेम बनता ना सिस फॉर्म, तो इसको एक ही मानते सिस, दो सिस थोड़ी मानेगा इसको तू। सर एक बार मतलब एक बार आप ड्रॉ करके देखने, एक बार मतलब जो लेफ्ट वाला है उसको रोटेट कर दिया। ये देख, एम ई है, ये ऐसे ट्रांस है, और तू ये कह रहा है ऐसे ऐसे है ना, तो हाँ ये एक ही मानते कर, ये सिस अगर, ये वाला सिस अगर है, और अगर तू एम ई नीचे लगा देगा तो दोनों एक ही मानता ना ये। हाँ मतलब दोनों एम ही नीचे लगा दिए तो हाँ हाँ सर, मतलब इसमें तो हमने एक ही साइड रोटेट करी है ना, एक कहाँ करी है, मतलब जैसे इस गर्व ये बताया ना, घुमाने से, रोटेट करने से, पलटने से, अगर सेम चीज बन रही है तो सेम मानते हैं, इसमें अलग मत मान तू उसको। ठीक है सर। अच्छा सर अब फिर एनए तो रिकॉर्ड मतलब में डाला है दूसरा तो क्या होगा? हाँ वो मतलब एक ही मिल जाएगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ IIT के अंदर, चार ऑप्शन दी थी, एक्टिव, इनएक्टिव, टू कंपाउंड, रेसिपिएंट, ये सब दिया हुआ था इसके अंदर। तो अब यहाँ ट्रांस ट्रांस मिल जाएगा कि नहीं? ये क्या 11th, मुझे समझ आया तेरे को? ट्रांस इधर, ट्रांस इधर, मतलब ये इस टाइप से, एम ई एच, ये बॉन्ड, ये ऐसे, ये बॉन्ड, ये ऐसे, तो ट्रांस ट्रांस आएगा दोनों साइड, तो इसलिए दोनों साइड सेम है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। और नेक्स्ट वाले में बताना ऐसे ही आंसर, सेकंड क्वेश्चन में। सर सर पहले वाला एक ही आएगा, ऑप्टिकल इनेक्टिव। दोनों में एक ही हाँ आएगा पहले वाले में पहला ये लॉक। सिस बन जाएगा, एम ई एच, यहाँ पे भी सिस और यहाँ पे भी सिस, यही कह रहा गर्व। यस सर। और नीचे वाले केस में
सर दो आएंगे। एक ही आएगा नहीं ऑप्शन। नहीं आएगा एक ही लेकिन एक्टिव होगा। गर्व नहीं सोच पा रहा हाँ है मत आंसर, यही बताना होता है एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है ऐसे केसेस में, समझा कि नहीं। सर, मतलब उसके बनेंगे तो दो ही ना, क्योंकि कार्य सेंटर है तो। नहीं कल से तो फिक्स है नहीं वाला, ये फिक्स नहीं कर रखा मैंने, एम ई ऊपर एच नीचे फिक्स कर रखा ना ये तो। अच्छा ठीक है सर, ये समझ आ गया क्वेश्चन के? नहीं आंसर एक ही आ रहा है, तुम्हें बस ये सोचना है कि एक्टिव है कि इनएक्टिव है। इनमें से एक क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा हुआ है, उसी को चार फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ये पूछा हुआ है बस एक, जो इसमें तो एक्टिव आ रहा है ना उसमें इनएक्टिव पूछा था, मतलब ये भी सिस था तो ये भी सिस बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ। चलो नेक्स्ट बताएंगे थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, ये कर याद नहीं कि लास्ट ईयर कराया वही? सर वो मैंने मतलब कार्ल सेक्टर फिक्स नहीं माना, मतलब मैंने उसको वो मान लिया नॉर्मल। अच्छा। चलो नेक्स्ट साइक्लो ऑक्टाइन में, साइक्लो ऑक्टाइन पहले वाले तो मैं तो नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, और दूसरे वाले में उसको ट्रांस वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। हाँ, यहाँ तो सिस आ गया, सिस फॉर्म आ गई, हाँ उस टाइप और से कर यहाँ देंगे पे जैसे वो एरोमेटिक वाले में करा था, हाँ। इसमें क्या होगा, इसमें क्या कौन सी फॉर्म आएगी? ट्रांसफॉर्म ट्रांस वाली। बना के देखना है इसको, और ये प्रॉपर है, और इसका आंसर आएगा दो, एक आंसर नहीं आएगा इसमें, दो आएगा ऑप्टिकली, क्योंकि इसमें प्लेनो सिमेट्री वगैरह नहीं आएगी, ज्यादा है कुछ नहीं। ये ट्रांसफॉर्म ऐसे बनाना पूरा प्रॉपर तरीके से, ये दो आंसर होंगे इसमें, ये ऐसे बनाओगे तुम इसे, ये ऐसे, ये ट्रांसफॉर्म बन रही है इसमें, एक दो तीन चार, ये ऐसे कुछ ले लेना, ये और ये और ये जोड़ देना, समझे कि नहीं। कुछ ऐसे लेता है कंपाउंड को, और इसमें ये एच इधर, ये एच इधर, और इसकी मिरर एनर्जी मिलती है। तो ध्यान रखना कभी भी ये कंपाउंड आता है साइक्लो ऑक्टीन, साइक्लो ऑक्टीन, तो उसके तीन आइसोमर्स होते हैं टोटल, एक सिस ट्रांस और ट्रांस करेसीमेट, सिस ट्रांस और ट्रांस करेसीमेट। नेक्स्ट वाले में सर लेफ्ट वाला हो जाएगा, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला डबल बॉन्ड हट जाएगा। हाँ बहुत सही बिल्कुल, कि इसमें सीरिक हिंड्रेंस चेक करेंगे, आंसर ये मैं हटा रहा हूँ डायरेक्ट बॉन्ड को, उसको मैं उस बॉन्ड को हटा रहा हूँ डायरेक्ट, ये आंसर आ जाएगा, ये बार हट गया, ये आंसर है इसका। और उससे नेक्स्ट में हाँ जो ऊपर वाला डबल बॉन्ड हट जाएगा, ऊपर वाले में सीरिक हिंड्रेंस कम है वो हट जाएगा, नीचे वाले में तो दोनों साइड से इसके मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको, दोनों साइड इसके मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इधर भी, इसलिए ये नहीं हटेगा। और इसमें तो इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर भी एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप, और उसमें एक ही साइड एल्काइल, इस वाले डबल बॉन्ड में इधर ही बस एल्काइल ग्रुप। क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे करने होते हैं? ये क्लियर हुआ कि यस नहीं? नेक्स्ट नोट करना है। क्वेश्चन है एक, ये पूछा हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, ये IIT 2-3 बार पूछ चुका है, COCl, COCl है सपोज, इसमें डाला H2PD1 इक्विवेलेंट, ए मिला, ए आंसर पूछ सकते हैं। मैं आगे इसको, मैं इसी क्वेश्चन को आगे वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर दोबारा डाला H2PD1 इक्विवेलेंट, तो बी मिला, तो बी क्या होगा, और उसके बाद फिर H2PD डाला 1 इक्विवेलेंट, तो प्रोड क्या आएगा, सी मिला, फिर डाला H2PD1 इक्विवेलेंट, तो प्रोड क्या आएगा, तो प्रोड क्या आएगा, सही ना, ये ट्राई करना था। हाँ हालांकि मैं लिनार्ड कैटलिस्ट डालता तो तुम्हें पता है कि लिनार्ड कैटलिस्ट जो है, चलो उसके बारे में बताऊंगा मैं, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक बार, और एक बार रिज्वाइन करना है, एक बार इसको सॉल्व करेंगे भी रिज्वाइन करना है, अगर कर लिया तूने, यस सर, और किसी ने किया अभी? चलो फिर इसका आंसर देख लेते हैं, और किसी ने किया है?
चलो देखो इधर आंसर देखेंगे इसका। घर बोल, पहले तो COCl का CHO बन जाएगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। और किसने निकाला ये? यस सर। पहले हाँ, फिर तुम, अच्छा तुम बोलो इसी का आंसर। CH2 CH2 CHO आएगा, बी क्या आएगा बताओ। सल्फर ट्रिपल बॉन्ड की जगह पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा सिस फॉर्म में। हाँ इसी था, फिर क्या होगा? फिर सी में CH2 ओ जाएगा, CH2 की जगह सी एच पे। ओ वाले में, हाँ सी एच ओ वाले में CH2OH आ जाएगा सी में। ये कैसे कैसे कर रहे तुम सोच के, मतलब कहाँ वो से हिंट मिल रहा कनेक्टिविटी है? ऑर्डर थी ना पहले, हाँ ट्रिपल। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, रिएक्टिविटी ऑर्डर को सोच करके, सही ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर को सोच करके। नेक्स्ट फिर क्या होगा? फिर सर वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, फिर ये आंसर आ जाएगा, सही ना, फिर ये आ जाएगा, और आंसर शायद हेक्सेनॉल आ जाएगा ना लास्ट आंसर। यस सर। हाँ लास्ट आंसर आ जाएगा हेक्सेनॉल। और किसका घर तेरा सही था पूरा, यस सर। और किसी का? हाँ तीन चार बच्चों को सही हुआ है। चलो एक दो क्वेश्चन ये ट्राई करो, मतलब इसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए ना। H2PD1 इक्विवेलेंट डाला था, ये पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 H2PD1 इक्विवेलेंट, सही ना, H2PD1 इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड, CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, सेम चीज H2PD1 इक्विवेलेंट। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन H2PD1 इक्विवेलेंट,